अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। यज्ञों और देवों को अनदेखा करने के कारण वैदिक पुरोहित वर्ग इसे अन्य तीन वेदों के बराबर नहीं मानते थे। इसे वेद का दर्जा बहुत बाद में मिला। इसकी भाषा ऋग्वेद की भाषा की तुलना में बहुत बाद की है और कई स्थानों पर ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है, अतः इसे 1000 ईसा पूर्व का माना जा सकता है। इसकी रचना अथर्वण और अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है, इसलिए अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इस वेद के महत्वपूर्ण विषय हैं ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, टोना टोटका आदि। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय आयुर्विज्ञान है। इसके अलावा जीवाणु विज्ञान और औषधियों आदि के विषय में जानकारी इसी वेद से होती है। भूमि सूक्त के द्वारा राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सबसे पहले इसी वेद में हुआ है। अथर्ववेद का एक अन्य सूक्त मानव शरीर की रचना का वर्णन और प्रशंसा करता है। इस सूक्त और उपचार से जुड़े सामान्य अथर्ववेदी चिंतन के कारण शास्त्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद अपनी उत्पत्ति अथर्ववेद से मानता है, लेकिन शास्त्रों द्वारा इस दावे को समर्थन नहीं मिलता है और न तो आयुर्वेद के सिद्धांत वेदों में और न ही अथर्ववेद के तांत्रिक या अनुष्ठानिक उपचार आयुर्वेद में पाए जाते हैं। फिर भी चिकित्सकीय उपचारों को प्रणालीबद्ध करने व उन्हें वर्गीकृत किए जाने के काम की शुरुआत अथर्ववेद से मानी जा सकती है। अथर्ववेद की अन्य विशेषताओं के बारे में बताएं तो इसमें ऋग्वेद और सामवेद से भी मंत्र लिए गए हैं। जादू से संबंधित मंत्र तंत्र, राक्षस, पिशाच आदि भयानक शक्तियां अथर्ववेद के महत्वपूर्ण विषय हैं। साथ ही ऋग्वेद के उच्च कोटि के देवताओं को इस वेद में गौड़ स्थान प्राप्त हुआ है। धर्म के इतिहास की दृष्टि से ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों का बड़ा ही मूल्य है। वहीं अथर्ववेद से स्पष्ट है कि कालांतर में आर्यों में प्रकृति की पूजा की उपेक्षा की गई थी और प्रेत आत्माओं और तंत्र मंत्र में विश्वास किया जाने लगा था।